बद्दी विश्वविद्यालय एडमिशन प्रोस्पेक्टस लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें अर्न वाइल यू लर्न प्रोग्राम सबसे अहम होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार स्कूल ऑफ फार्मेसी उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है, और अर्न वाइल यू लर्न के अनुसार इंजीनियर विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ प्रतिमाह 9,000 रुपये की छात्रवृत्ति दूसरे साल से मिलेगी, जो कि गरीब विद्यार्थियों के लिए इनकी पढ़ाई में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा बद्दी विश्वविद्यालय के पास छात्रवृत्ति और शुल्क रियायत भी है, जिसमें कि एससी एसटी और बीपीएल छात्रों को फीस में रियायत मिलेगी। इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए फीस में 50% रियायत है। शिमला में प्रेस वार्ता कर डॉक्टर खुशमीत कुमार ने बताया कि बद्दी विश्वविद्यालय में फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और साइंसेज जैसे कोर्सेज उपलब्ध हैं। बद्दी विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र में स्थित है और चंडीगढ़ से मात्र आधे घंटे की दूरी पर है, जिससे कि छात्रों को प्रदेश में भी रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश के महानगरों में प्रबंधन के सबसे उत्कृष्ट 6 लाख का पैकेज है, फार्मेसी 8 लाख और कंप्यूटर साइंस में 10 लाख का पैकेज मिला। इसके अलावा बद्दी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि क्रिकेट अकादमी के साथ साथ NSS, NCC, रक्तदान शिविर, योगा क्लब, टेक्नोफेस्ट प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त आइडिया फैक्ट्री के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें कि छात्रों को औद्योगिक विशेषज्ञों के साथ काम करने का अवसर प्रदान हुआ है, जिसमें कि सौर वाहन और रोड सेफ्टी जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। उससे हम ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं बच्चे से, अगर उस तरह का कोई विक्टिम हमारे पास कोविड का कोई आता है। इसके अलावा हमारी जो प्लेसमेंट है, हमारे एलिजिबल स्टूडेंट्स जो हैं वो 90-95% जो प्लेसमेंट वो एग्ज़ाम से पहले ही हो जाती हैं। जो परसेंटेज बच्चों की कुछ 2-4% जो बचते हैं या जिनकी कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कोई सप्लीमेंट्री आ जाती है, उनकी भी हम कोशिश करते हैं कि अगले 2-3 महीने के अंदर उनकी भी हम प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हैं, सो दैट उनको भी ऐसा ना हो कि अगर उनको कोई एग्ज़ाम क्लियर करने में लेट हो गया तो उनका कोई लॉस हो ज़्यादा। और बद्दी यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो एक तो जो हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे लेवल की आपको मिलेंगी, बड़े अच्छे ग्राउंड्स हैं हमारे। क्रिकेट है, क्रिकेट में तो हमारे पास एक प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है, जिसमें बच्चे की हर तरह से उसके जो ग्रूमिंग की जा सकती है ताकि वो अपना करियर उसमें अच्छा बना सके। इसके अलावा एक्टिविटी के लिए हमारे पास अलग अलग क्लब्स हैं, योगा क्लब है जिसके थ्रू हम बच्चों को मैसेज देते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं योगा की रेगुलर बेसिस पे, सो दैट कि वो अपना जो है फिजिकली खुद को फिट रख सकें, क्योंकि जो खुद फिजिकली फिट होगा उसका ध्यान उतना ही ज़्यादा पढ़ाई में लगेगा। रजिस्ट्रार फ्रॉम बद्दी यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे बद्दी यूनिवर्सिटी की तरफ से आज जो हमने अपने प्रोस्पेक्टस का लॉन्च किया है उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। और जो बद्दी यूनिवर्सिटी है, आप सब जानते हैं कि हमारी 20 साल की एक लंबी लिगेसी है, जो हमारे एलुमनाई हैं वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, और जो हमारे जो इस साल के जो 2022-23 के जो एकेडमिक सेशन के लिए जो एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं उसके लिए हमने अभी जो है आज यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का लॉन्च किया है। हमारे पास इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं, इंजीनियरिंग में हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और इसके साथ हमारे पास मास्टर्स के कोर्सेज भी हैं, इंजीनियरिंग के PhD कोर्सेज भी हैं सभी ब्रांचेज़ में। और हमारे पास जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास बी फार्मेसी और नर्सिंग के कोर्सेज हैं, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज हैं, और जो हमारे पास ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास मैनेजमेंट MBA है, और मैनेजमेंट के में हमारे पास +2 के स्टूडेंट्स के लिए भी जो कॉमर्स साइड से होते हैं उनके लिए BCom और BBA के कोर्सेज हैं हमारे पास, और हमारे पास उनके लिए BCA के कोर्सेज भी हैं, BCA और MCA के कोर्सेज भी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो हिमाचल की जो मेन इकोनॉमी जिस पर डिपेंडेड करती है एग्रीकल्चर के कोर्सेज भी हमारे पास जो हैं BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स वो हमारे पास अवेलेबल हैं कोर्सेज। इसके अलावा हमारे पास बेसिक साइंसेज के जो हैं वो स्कूल ऑफ साइंसेज के अंडर हमारे पास कोर्सेज हैं, तो इन सब कोर्सेज़ के लिए हमारे पास जो एडमिशन्स हैं वो शुरू हो चुके हैं, प्रोस्पेक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, और जो स्टूडेंट्स होनहार होते हैं जिनके
जो परसेंटेज है जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे होते हैं 60% से ऊपर हैं, उनके लिए हमारे पास अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। हम सरकार की तरफ से जो SC ST की स्कॉलरशिप्स होती हैं वो भी हम बच्चों को ऑफ़र करते हैं अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पर एडमिशन लेता है तो। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो 20% की जो एक स्कॉलरशिप रहती है वो हम उन बच्चों को हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सिंगल गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट होता है जो अपने माँ बाप के यहाँ पे ओनली चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए जो स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में जो है वो 50% रहती है। इसके साथ हमारे पास अगर सेम फैमिली से हमारे पास दो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो सिबलिंग स्कॉलरशिप के नाम से हमारे पास स्कॉलरशिप है वो भी हमारे पास 50% रहती है स्कॉलरशिप जो है ट्यूशन फीस का। इसके अलावा अभी जो कोविड में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अगर दोनों पेरेंट्स को खो दिया तो उनके लिए हमारे पास 100%। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।